तो दोस्तों आज का हमारा डांस ट्यूटोरियल वीडियो है नैनो वाले ये आहा जी हाँ, हम आपको यही स्टेप सिखाएंगे बहुत आसान तरीके से। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्टेप तो जरूर सीखना चाहिए, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है और काफी अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो आप सीखोगे, आप डालोगे वीडियोस, क्या पता आपके इसमें व्यूज भी आ जाए रील्स पर या फिर शॉर्ट्स पर। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए अगर आपको वाकई में सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले स्टेप की शुरुआत करते हैं। जो पहला स्टेप है हमारा 1 2 3, तो इसे करने के लिए पहले आपके पैरों की तरफ आते हैं। जो आपका पैर है आपको पहले तो ये चीज देखना है कि 1 2 1 2, ये दो स्टेप अभी की अभी आप करिए 1 2, ठीक है। सेकंड आते हैं ये वाला 3 4 3 4 3 4, ठीक है। पहला राइट वाला पैर, फिर लेफ्ट वाला पैर और फिर दोनों नीचे रखेंगे, ठीक है। पहले क्या था 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब दोनों को साथ में करना है आपको नैनो 1 2, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आएंगे हम ये वाला स्टेप 1 2, ठीक है। जब हम पहला स्टेप करेंगे 1 और इसी में ही दूसरा स्टेप आ जाएगा एंड तीसरा स्टेप आ जाएगा ऐसे 1 2 3, ठीक है। तो जब आप ये करोगे ना आपके हाथ एक तो ये होंगे फिर ये होंगे और फिर दोनों हाथ ये होंगे, ठीक है, और आपका लुक इधर होगा तो कुछ इस तरह से 1 2 3, ठीक है। तो आपका पैर लेफ्ट वाला ऐसे घूमेगा फिर वापस आएंगे फिर दोबारा करेंगे 1 2, ठीक है 1 2, हाथ देख लीजिए आप। चलो 5 6 7 सा नैनो वाले ये आहा नैनो वाले ये, ठीक है। अब इसके बाद जैसे आपके हाथ खुलेंगे आपको गिटार पकड़ना है ऐसे, मतलब ऐसे इस तरह से कुछ करना है, ठीक है, और आपका लेफ्ट वाला पैर आगे जाएगा 1 एंड राइट वाला पीछे की तरफ 2, ठीक है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसा टेढ़ा होगा 1 2 3 एंड 4, इस तरह से वापस आना है लेफ्ट राइट राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो आगे अब उसके बाद ये करेंगे, तो इसे करने के लिए आपके पहले पैरों की तरफ आते हैं। जब आपका पैर है ये आपको ऐसे में सिखाता हूँ 1, ठीक है, आपको इस तरह से आएंगे फिर आपको ऐसे घूम के फिर जंप करके फिर घूमना है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला स्टेप है ये केवल एक बार ही होगा ये वाला स्टेप, और दूसरी बार में दोनों पैर साथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से 1 2, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपके हाथ भी कैसे होंगे, इस तरह से होंगे, और जब आपका एंगल यहाँ से इधर आएगा तो आपके हाथ इधर आएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से 1 स्टार्टिंग यहाँ से होगी फिर 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है। चलो 5 6 7 स्टार्ट 1 2, अब याद रखना दूसरी बार में आपके पैर ऐसा आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एकदम से 1 2 3, तो इसे कैसे करेंगे, बस सिंपल कुछ नहीं है ना, हल्का हल्का आपको ऐसे करना है और इस तरह से घूमना है और हाथ को भी छिड़कना है, तो कुछ इस तरह से ने। फिर अब इधर आ गए हम लेफ्ट साइड और एकदम से झटका मारेंगे और ऐसा आएंगे, तो इसे कैसे करेंगे, जब आप झटका मारोगे तो आपके पैर लेफ्ट वाला अंदर की तरफ आके फिर राइट उठ के फिर हल्का सा पीछे आएगा ऐसे, ठीक है। चलो ये आए 1 2, ठीक है, और लास्ट में कोशिश करना कि आपके पैर बंद हो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी 1 2, इस तरह से पैर बंद कर देना, ठीक है, क्योंकि हमको उसके बाद ये वाला स्टेप भी करना है कि पैर खोल में, तो जब पैर खोलोगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो पैर बंद ही रखना ऐसे 1 2, एंड उसके बाद लेफ्ट हैंड राइट साइड फिर वेव फिर राइट हैंड लेफ्ट साइड फिर वेव 2 टाइम्स, ठीक है 1 2, एंड फिर उसके बाद दोनों हाथ से राइट हैंड और राइट साइड को फिर वही झटका मारेंगे जो हमने लेफ्ट साइड मारा था, अब इस बार इस तरह से आ जाएगा पैर, ठीक है लेफ्ट एंड राइट। चलो ये 1 2, ठीक है। तो चलिए अब आपको वहां से बताते हैं 1 2
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 and 4. ठीक है, अब इसके बाद ये वाला स्टेप, तो इसे करने के लिए पहले आपके पैरों की तरफ आते हैं, जब का पैर है राइट वाला वो इस तरह से आगे जाएगा, फिर लेफ्ट वाला ऐसा आएगा, फिर वापस आएगा, फिर ये और फिर वापस, ठीक है, इस तरह से 1, 2, 3, ध्यान से देखो 1, 2, 3. चलो अब हाथ कैसे होंगे आपके, 1, 2, 3, सामने से देखिए 1, 2, 3 ऐसे 1 पैर के साथ फ्लो करेंगे, फिर 2 and 3. अब यहाँ पर आपको रुक के हाथ आपके स्लो मोशन में जाएंगे, उसके बाद एकदम से टक टक लेफ्ट पैर से करेंगे. एक बार फिर देख लो, इस साइड से आपको बता देता हूँ, ये है 1, 2, 3, स्लो स्लो गया हाथ, एंड 4, 5, ठीक है, उसके बाद हाथ इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है. चलो 5, 6, 7 स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, क्लोज हाथ ऊपर, डाउन डाउन स्लोली एंड वेव, 1, 2 and 3, ठीक है. तो चलिए अब एक बार मेरे साथ आप शुरू से रिवाइज करिए, 5, 6, 7 स्टार्ट, 1, 2, 3 चेंज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 and 4. तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और इसी तरह से और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो हमेशा मिलते रहें. तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में.